प्रश्न नंबर 17 बी का पहला सवाल, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, क्या होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर, उस भुजा की लंबाई कितनी है x सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजा और परिमाप में संबंध ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजा और संबंध परिमाप में संबंध, तो देखते हैं सबसे पहले हम त्रिभुज देख लेते हैं क्या होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अगर ये दो होगा तो ये भी दो होगा, ये भी दो होगा। अब देखिए परिमाप क्या होता है, परि मतलब होता है परिमेश बाहर, परिमेश बाहर और माप में बाहर की माप, तो ये दो दो चार दो छः, इसे कहते हैं परिमाप। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है भुजा का तीन गुना होता है, कितना होता है तीन गुना, देखिए तीन गुना छः, अगर ये चार चार होता तो देखिए चार चार आठ, आठ चार बारह, यानी भुजा का तीन गुना, यानी कितना तीन चक्कू बारह। अब देखते हैं तो अब क्या करना है हमको, भुजा और परिमाप में संबंध ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हम त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है भुजा का तीन गुना होता है, भुजा का तीन गुना होता है, परिमाप को यस से कहते हैं और भुजा कितनी है हमारी यक्स, यानी यस बराबर तीन यक्स। अब हम इसके लिए एक वो बना लेते हैं, सबसे पहले तो आंकड़ा बनाने के लिए वो ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ पर दर्शाने के लिए अभी बता रहे हैं, कॉलम बना लेते हैं पहले। कॉलम में क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं यस और यहाँ पर लिख देते हैं यक्स, ये यक्स जो है भुजा है और यस जो है परिमाप है। तो देखिए अगर हम यक्स यानी एक भुजा लें, अगर इसकी यानी कितनी भुजा लें एक, तो देखिए जो एक यहाँ पर रखेंगे तो एक तिया तीन, यानी भुजा का तीन गुना, यानी परिमाप कितना हो जाएगा तीन। अगर भुजा दो हो, अगर भुजा दो हो यानी दो तिया छः, तो परिमाप कितना आएगा छः। अगर भुजा तीन हो तो परिमाप कितना हो जाएगा तीन तिया नौ, अगर भुजा चार हो तो चार तिया बारह, अगर भुजा पांच हो तो परिमाप कितना हो जाएगा पांच तिया पंद्रह। अब इसको ग्राफ पे दर्शाना है हमको, किस पे दर्शाना है ग्राफ पे, तो देखिए ये है त्रिभुज की भुजा और ये है त्रिभुज का परिमाप। तो देखते हैं सबसे पहले हम भुजा लेते हैं एक, यानी भुजा कितने लेते हैं एक, लेकिन हमको यहाँ पर रुकना नहीं है, परिमाप कितना है तीन, यानी एक और फिर तीन यानी ऊपर जाएंगे, यानी पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। देखिए अगर हम सही बिंदु लेंगे तो हमारा एक ही सीध में आएगा, देखिए यक्स पर कितना चले एक और यस यानी परिमाप वाले पर कितना चलना है हमको तीन, यानी यहाँ पर पहुंच गए ऊपर की तरफ। फिर देते हैं यक्स की चलना है यानी दो, यानी यहाँ पर हम पहुंचे, फिर परिमाप के लिए कितना चलना है छः, यानी ऊपर की तरफ, तीन है ये और ये छः। फिर देखते हैं अगर यक्स पर कितना चलना है हमको तीन, यक्स पर तीन और परिमाप के लिए नौ, तो नौ किधर जाएंगे ऊपर की तरफ। फिर देखना है यक्स पर यानी भुजा में कितना चलना है चार, तो परिमाप हमारा कितना हो जाएगा बारह। अगर इसी प्रकार अगर यक्ष की भुजा चलेंगे पांच, तो परिमाप कितना हम चलेंगे, परिमाप कितना है पंद्रह, सॉरी चार का कितना था, सॉरी यहां पर नामकरण गलत हो गया, ये होगा बारह और ये होगा पंद्रह, तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह, तो ये हमारा चार का बारह हो गया और पांच का पंद्रह हो गया। देखिए एक ही सीध में है, ये हमारा त्रिभुज की भुजा और त्रिभुज का परिमाप का ग्राफ है, ये वो भी जाएगा जीरो से, ज्यादातर जीरो से ही जाएगा, अगर हमारा मान हमने सही रखे तो एक ही सीध रेखा में मिलेगा। अभ्यास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर दो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुना है, जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुना है, आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई का संबंध ग्राफ कीजिए। देखिए आयत की लंबाई जो चौड़ाई से दोगुनी है,
माना चौड़ाई, माना चौड़ाई है हमारी यक्स, तो लंबाई कितना हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी चौड़ाई की 2 गुना, यानी कितना हो गया? 2x। आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध ग्राफ खींचिए। तो देखिए, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल को हम कहेंगे ए से। लंबाई कितनी है? 2x, चौड़ाई x, यानी ए बराबर आ गया 2x स्क्वायर। तो देखिए, ये हमारा संबंध आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई से मिलकर बना है, या हम ये कह सकते हैं यक्स क्या है? चौड़ाई। तो आयत का जो परिमाप होगा चौड़ाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग का 2 गुने के बराबर है, चौड़ाई के वर्ग के 2 गुने के बराबर है। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल मान ले, छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे एक आयत है, इसमें ऑलरेडी दिया है कि लंबाई जो इसकी 2 है, मान लेते हैं ये 4 है और ये 8 है, लंबाई जो इससे 2 है। तो देखिए, जब मान लेते हैं, फिर क्या करेंगे? देखिए, अब इसका परिमाप अगर निकालना है, अगर हम इससे कहें जो ये क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई का वर्ग, यानी चौड़ाई का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। उसको 2 कर दिया जाए, यानी 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 32। तो हमारा 32 से आएगा आयत का क्षेत्रफल। तो 8 चक्कू 32, देखिए आयत का क्षेत्रफल अगर उत्कल निकाल दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना आया? 32 ही आया। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, चौड़ाई का वर्ग यानी 16, उसको 2 से गुणा कर दिया जाए, हमारा 32 आ जाएगा। अब देखते हैं, हम कुछ कॉलम बना लेते हैं। अब देखें क्या करेंगे हम, जैसे मान लेते हैं चौड़ाई अगर हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो 1 का वर्ग यानी 1, उसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। अगर हम चौड़ाई मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग यानी 2 दूना 4, उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8। फिर अगर हम मान लेते हैं चौड़ाई 3 है, कितनी चौड़ाई? 3 है, तो 3 का वर्ग 3 3 9, उसको 2 से गुणा करेंगे यानी 18। फिर देखते हैं, फिर अगर देख लेते हैं चौड़ाई 4, तो 4 का स्क्वायर 4 को 16, और उसको 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा हमारा 32, अभी हमने इससे पहले लिया था। अगर हम देखते हैं चौड़ाई 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। देखिए, अब हमको इस पे ड्रा करना है। तो देखिए, ड्रा करना है तो हमने 6 6 के मान लिया था, क्योंकि हमारे 50 तक जाना था, 10 के मान लेते तो फिर बन जाता, कोई बात नहीं। अब देखिए, हमको बनाना है चौड़ाई कितनी लेनी है? 1। ये देखिए चौड़ाई 1 है, यहां पर हम पहुंचे। फिर लेकिन हमको जाना है किधर जाना है? क्षेत्रफल 2, आयत का परिमाप नहीं यहां पर, सॉरी, ये क्षेत्रफल है। ये क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्षेत्रफल चलना कितना है? 2, यानी ऊपर की तरफ 2 जाना है। तो यहां पर आ जाएंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए, ये है 2 और ये है 4 और ये है 6। देखिए, प्रत्येक के 2 पार्ट कर लिए, तो हमको यानी यहां पर आना है। कहां पर आना है? यहां पर 2। अब ये हमारा पहला ले लिया। अब हम लेते हैं चौड़ाई 2, चौड़ाई कितना ले लिया हम? 2। अब हमको क्षेत्रफल में कितना जाना है? 8। तो 8, देखिए ये 6 है, देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे तो ये कितना है? 6 6 2 8, यानी ये हमारा 8, फिर ये 10, फिर ये 12। अब देखते हैं इसी प्रकार हम चौड़ाई में कितना जाना है? 3, यानी 3 यहाँ पर पहुंचे। फिर हमको क्षेत्रफल में कितना जाना है ऊपर की तरफ? 18। तो 18 कहाँ पर है हमारा? ये। फिर देखते हैं चौड़ाई में कितना? 4, चौड़ाई में जाना है 4, और क्षेत्रफल में कितना जाएंगे? 32। तो 32 देखिए ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 30 है, और 30 और 2 32, 30 और 2 32। क्या करेंगे फिर? इसको एक रेखा से ड्रा कर देंगे। लगभग ऐसा बनेगा, बनेगा तो एकदम सीध, लेकिन जब आप अपनी कॉपी बनाएंगे तो एकदम सीधी रेखा होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3, 200 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज
और वर्षों में समय के संबंध ग्राफ की ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे। साधारण ब्याज तो लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है हमारा 200 रुपया, दर कितना है 3% और समय नहीं पता है बटे 100। तो 1220 साधारण ब्याज को कहते हैं एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। तो हो जाएगा हमारा एस आई बराबर 2/6 t। अब इसका संबंध, इसका मतलब ये है कि अगर समय का छह गुना साधारण ब्याज होगा, 3% की दर से अगर हमको समय देना है तो समय का 6 गुना ब्याज बनेगा। अगर मूलधन को इग्नोर कर दिया जाए तो समय का, जैसे अगर समय मान लेते हैं 2 वर्ष, तो ब्याज कितना बनेगा 2×6 = 12 रुपया ब्याज बनेगा। कितने पर? 100 पर। यहाँ पर बात 100 पर है, 100 हो चाहे 200 हो जितना होगा ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसका चार्ट बना लेते हैं। चार्ट देखिए क्या होता है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर एस आई है। ये 100 रुपये के लिए बात चल रही है, तो 100 रुपये पे, जैसे मान लेते 100 रुपये पे मतलब अगर 2 साल है तो 2×6 = 12 रुपये बन जाएगा ब्याज। टाइम और इसका चार्ट बना लेंगे। अब देखते हैं, अगर टी यानी टी टाइम अगर 1 वर्ष रखेंगे तो 1×6 गुना करेंगे यानी 6। फिर अगर टाइम 2 वर्ष रखेंगे तो 2×6 गुना यानी 12। अगर टाइम 3 वर्ष रखेंगे तो ब्याज कितना बनेगा हमारा, तो ब्याज बन जाएगा हमारा 3×6 से गुणा करेंगे यानी 18। फिर अगर टाइम 4 वर्ष है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24, 4×6 = 24। अगर टाइम 5 वर्ष है तो 5×6 = 30, यानी 5 साल में 30 रुपये बनेगा 100 पर, 4 साल में 24 रुपये बनेगा 100 पर। अब देखते हैं इसको ग्राफ पर हमको बनाना है, तो हम इसको मान लेते हैं ये जो है टी है यानी समय है वर्षों में, 100 रुपये, 100 पर बात चल रही है, 100 रुपये का ग्राफ। अब देखते हैं 100 रुपये पर ग्राफ, टी समय वर्ष है ये, और ऊपर जब बनाएंगे तो देखिए 6, 12, 18, 24, 30 है। तो ऐसा करते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, ये 12, ये 18 और ये 6×6=24, 6×5=30, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 6 रुपया। यहाँ पर लिख देंगे ब्याज रुपए में। अब देखते हैं हमको बनाना है, तो देखिए टी, टी पर कितना चल रहा है 1, लेकिन हमको यहाँ पर रुकना तो है नहीं, 6 चलना है अभी हमको, एस आई यानी साधारण ब्याज कितना होगा ये वाला हो जाएगा। फिर देखते हैं समय कितना 2 और साधारण ब्याज 12, यानी ऊपर जाएंगे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। फिर देखते हैं टाइम यानी 3 पर पहुंचेंगे, फिर ऐसा ही यानी 18, यानी 18 किस पर चलना है ऊपर की तरफ, यानी कहाँ पहुंच जाएंगे यहाँ पर। फिर अगर टाइम 4 वर्ष है तो ब्याज कितना होगा हमारा 24 रुपया हो जाएगा 100 रुपये पर, 300 रुपये पर 3%, यानी 3%, 3% का मतलब हुआ 100 पर 3 रुपये के हिसाब का ये चार्ट है। अब देखिए क्या, अगर 5 वर्ष लगा तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 30 रुपया। अब फिर हमने बताया अगर हमारा सवाल एकदम सही है तो ये एक ही रेखा में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नंबर 4, एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दूरी तय करती है। बस द्वारा चली गई दूरी और समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुड़े समय। अब चाल कितनी है बस की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, गुड़े समय को कहते हैं टी, दूरी को कहते हैं डी। तो डिस्टेंस बराबर हो गया 40 टी। इसका तात्पर्य यह है कि अगर समय 1 घंटा है तो 1 को 40 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा, अगर समय 2 घंटा है तो 2 को 40 से गुणा करेंगे यानी 40 से गुणा कर देंगे हमारी ये दूरी निकल आएगी। तो देखिए अब हम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चार्ट तैयार करते हैं। देखते हैं अगर टाइम 1 घंटा लगेगा,
1 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगा, टी की जगह एक रख दे, 1 को 40 से गुणा करेंगे यानी 40 किलोमीटर। अगर समय 2 घंटा है यानी 2 रखते हैं तो 2 40 से गुणा करेंगे यानी 80 किलोमीटर। अगर समय 3 घंटा, 3 रख दें तो 3 और 40 का गुणा 120। अगर समय 4 घंटा रख दें तो 4 चक्कू 16 यानी 160। अगर समय 5 रख दें तो 5 चक्कू 20 200 किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ पर ग्राफ बनाना है, तो मान लेते हैं ये यक्ष अक्ष जो है समय है और वाई अक्ष क्या है दूरी है। तो यक्ष अक्ष पर कितना चलना है टी यानी 1 यहाँ पर हम पहुंचे, और फिर डी यानी चलना है 40। तो देखिए हम यहाँ इसको मान लेते हैं 40, 80, 120, 160 और ये 200 यानी 40 40 का मान लेते हैं। तो 1 घंटा यानी यहाँ पर पहुंचा, फिर ऊपर जाएंगे यानी कितना 40, फिर 2 घंटे के लिए यहाँ टी पर 2 आए, फिर ऊपर 80 जाना है यानी 1 2 यानी 80 पर पहुंच गया। फिर देखते हैं 3 घंटा के लिए यहाँ पर 3, एक्स पर कितना चलना है हमको टी यानी समय, समय के लिए 3 पर आए, फिर ऊपर जाना है दूरी के लिए कहाँ जाना है ऊपर की तरफ, तो कितना होगा हमारा ये रहा 120। फिर देखते हैं अगर 4 घंटा लगे तो कितना होगा हमारा 160 होगा, अगर 5 घंटा तो 200 यानी 5 यानी ये 200, और इसको हम लाइन एक खींच देना है हमको। इस प्रकार हमारा ग्राफ बनकर कंप्लीट हो गया, ये समय और दूरी का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। नंबर 5, एक साइकिल सवार द्वारा नियत समय अंतराल में तय की गई दूरी का निम्नोक्त दूरी समय ग्राफ देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 कह रहा है समय 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से दूरी कितनी थी, तो प्रारंभिक स्थिति यानी 0 यानी अभी कुछ नहीं चला है। तो देखते हैं 2 बजे, 2 बजे कहाँ था व्यक्ति, ये घड़ी का समय है यानी 1 बजे 2 बजे 3 बजे और 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो समय 2 बजे यानी समय 2 बजे कितना किलोमीटर चला है ऊपर, देखिए यहाँ पर समय 2 बजे व्यक्ति कहाँ था यहाँ पर यानी 2 बजे 2 किलोमीटर यानी 2 बजे कितने पर था वो अपने घर से 2 किलोमीटर पर दूर पर था। और 3 बजे देखते हैं ये 3 समय घड़ी का समय कितना है 3 बजे, दूरी देखिए दूरी कितने किलोमीटर पर है 1 2 ही किलोमीटर पर है यानी 3 बजे कहाँ पर था अपने घर से दूर प्रारंभिक स्थिति से दूरी 2 किलोमीटर। 4 बजे देखिए यह है घड़ी का समय कितना है यहाँ पर 4 बजे, तो 4 बजे देखिए कहाँ व्यक्ति था यानी यहाँ पर, ये कितना है 3 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है 5 बजे यानी 5 ये बजा है, तो कहाँ पर है व्यक्ति यानी यहाँ पर व्यक्ति है, तो ये कितने पर है 4 किलोमीटर पर है यानी ये 5 बजे कहाँ पर था अपने प्रारंभिक स्थिति से दूर 4 किलोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए। अब पॉइंट नंबर बी देखते हैं, उपर्युक्त ग्राफ देखकर यानी इस ग्राफ को देखकर बताइए साइकिल सवार द्वारा यात्रा के दौरान आराम करने का समय अंतराल, कि साइकिल सवार ने कहाँ पर आराम किया, तो वो था आराम 1 घंटे का, 1 घंटे का आराम, 1 घंटे का आराम, वो भी किसके दौरान 2 और 3 के बीच, 2 और 3 बजे के मध्य, क्योंकि देखिए वो 2 बजे कहाँ पर था 2 किलोमीटर पर और 3 बजे भी वहीं पर रहा यानी 2 3 बजे के 2 और 3 बजे में उसने आराम किया, 2 से 3 के बीच में आराम किया, फिर 4थे घंटे में यहाँ पर पहुंच गया। अभ्यास 17B द इंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।